हेलो दोस्तों, आज अपना जो थर्ड लेक्चर रहेगा इसमें अपना, इससे पहले हम 7 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज अपना जो रहेगा 3 चैप्टर इस वीडियो में है, अगले 3 चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको। आज ही शाम तक बना आ जाएगा, क्योंकि इसमें 7 पढ़ चुके हैं। अब चैप्टर देखते हैं 8। इससे अभी तक कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिला मुझे, बट इसका इनडायरेक्टली इम्पोर्टेंस है इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसका। ये एक टाइप से बोले तो एक कायम चूड़ की तरह ही है। आगे अपन की बेसिक टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। तो पहला टर्म इसमें 3 है, हर्ब, श्रब और ट्री। अब आपको एक बात देखना है, पहले सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है श्रब में क्या होता है। श्रब ऐसे होते हैं जो एक तो वूडी होते हैं और दूसरा होता है इनकी हाइट 3 मीटर से ज़्यादा हो। हर्ब ऐसे हैं जिनकी हाइट बिलो 1 मीटर हो और ये कभी वूडी नहीं होते हैं। श्रब ऐसे हैं जिनकी हाइट 1 मीटर से तो ज़्यादा होती है और 1 से 3 मीटर के बीच में होती है। सेकंड थिंग, ये वूडी होते हैं। थर्ड थिंग, इनकी जो ब्रांचिंग है वो ग्राउंड से निकलती है, ग्राउंड के पास इनमें ब्रांचिंग शुरू हो जाती है। इसके बाद बोला जाए अगर ट्री को अगर कभी लिखना हो डेफिनेशन में, तो आप उसमें एक बात ध्यान रखोगे कि उसका स्टेम जो है वो बिल्कुल क्लियरली डिस्टिंक्ट है, उसका क्राउन बिल्कुल वेल डिफाइंड फॉर्मेशन है उसका क्राउन का, और ये पेरिनियल होगा। ओके, 3 टर्म यूज करके लिख देना। नेक्स्ट आते हैं, 3 टर्म और आ जाएंगे। पहला आएगा स्टेम। जो ट्री का स्टेम होता है उसी को टर्म यूज किया जाता है बोल, या उसी के लिए अनदर टर्म है ट्रंक। आगे फॉरेस्ट मेंसुरेशन में आएगा बोल हाइट क्या होती है, बोल लेंथ क्या होती है, तो एक्चुअली स्टेम के लिए बोला जा रहा है। दूसरा होता है फॉर्किंग। ये जो फॉर्किंग है इसका इफेक्ट क्या है, ये आप पढ़ोगे DBH में कि मेजरमेंट हमें कहाँ लेना है। फॉर्किंग का मतलब स्टेम ब्रांचिंग हो रही है। ओके, इसका रिजल्ट ये होता है कि जो टिम्बर की क्वालिटी है वो जनरली घट जाती है, क्योंकि अगर फॉर्क हो गया तो जो साइड ब्रांच है उसका भी लोड होगा, उसके लोड के लिए मेन ब्रांच है उसे अपोजिट साइड में झुकना पड़ता है, तो आपको स्टेम क्लियर नहीं मिलता, बिल्कुल स्ट्रेट टिम्बर नहीं मिलेगा। दूसरा, उसमें टैपरिंग रेट भी बढ़ जाती है, इसका रिजल्ट वुड क्वालिटी घट जाएगी। अब थर्ड आते हैं लिग्नो ट्यूबर, इसे एक बार देखते हैं। अब ये होता क्या है, जो प्लांट है उसका जो फूड होता है वो होता है स्टार्च। जैसे हमारा ग्लाइकोजन के रूप में हम स्टोर करते हैं, प्लांट करते हैं स्टार्च के रूप में। ये क्यों बनता है, क्योंकि प्लांट को ऐसा लगता है कि अगर कभी ड्राउट या कभी फायर लग गई तो निकल जाएगा, तो इसलिए बेटर है कि अगर वो कुछ बैकअप प्लान रखे, तो अगर फायर या ड्राउट लग भी गई तो उसका कुछ ना हो, मतलब अंडरग्राउंड या सरफेस के पास। तो ये इसलिए है, एक टाइप से प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। अब हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि साल में होती है डाइंग बैक फिनोमेना। होता क्या है एक्चुअली, कि साल का प्लांट जो है वो हर साल ग्रो करता है, जैसे ही मानसून आया उसने ग्रोथ स्टार्ट की, क्योंकि उसके पास पहले से लिग्नो ट्यूबर है तो तेज़ी से उसमें एक जैसे नई ब्रांच नहीं निकल आती है, इस टाइप से कोपाइस निकलना शुरू हुआ और तेज़ी से ग्रोथ की। लेकिन जो साइड की ग्रासे हैं वो एक्चुअल में ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करती है, लेकिन उनमें ग्रोथ लेट शुरू होती है। तो आज इसने शुरू की और वो 15 दिन बाद में दौड़ेंगी, और इसने 15 दिन पहले दौड़ना शुरू किया और ग्रोथ करके कुछ हाइट तक गया, ये तेज़ी से ग्रो करेगा। लेकिन फाइनली होगा क्या, 1-1.5 मंथ में जो ग्रास है वो इतना डोमिनेंट हो जाएंगी कि इसे कंपटीशन में हरा देंगे, लाइट के कंपटीशन में। इसका रिजल्ट होगा कि फाइनली डेड हो जाएगा, डाई कर जाएगा, लेकिन इसमें उसका जो स्टेम था वो डाई करेगा, नीचे का लिग्नो ट्यूबर नहीं। वो कंटिन्यू जैसे पिछले साल था, इस साल वो उसने 2 मंथ ग्रो की तो कुछ साइज बढ़ेगा, फिर यही साल अगले नेक्स्ट ईयर फिर होगा, और उसके अगले नेक्स्ट ईयर फिर, ऐसा लगभग 4-5 साल बाद लिग्नो ट्यूबर इतना स्ट्रांग हो चुका होता है कि जैसे ही मानसून आया ये इतना स्ट्रांगली ग्रो करता है कि ग्रास फिर इसे कंपटीशन में हरा नहीं पाती और ये फाइनली विन कर जाता है। तो एक टाइप से ये उसका अडेप्टेशन है। तो ये जो डाइंग बैक है इसी पे आया था कि कमेंट अपॉन द डाइंग बैक, जो फिनोमेना है साल का वो उसका एक प्रॉब्लम है या एक्चुअली एक अडेप्टेशन है। ओके, इसे हम आगे पढ़ेंगे, मोर डिटेल में आगे भी आएगा ये। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं, एक मुद्दा और है, वो अपना बट्रेसिंग। होता क्या है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं
उनमें रेनफॉल बहुत हद से ज़्यादा होती है, जिस वजह से उनका ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो काफ़ी अप सरफेस तक आ जाता है। तो रूट जो है वो ज़्यादा डीप रूट जाने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा वो अंदर ज़्यादा जा भी नहीं सकते क्योंकि फिर वाटर लेवल आने के बाद वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो रूट ग्रो नहीं कर पाएगी। तो मेजोरिटी इनकी रूट होती है सुपरफिशियल। अब जब सुपरफिशियल रूट है और प्लांट की हाइट होती है 20 से 25 मीटर, तो अगर प्लांट झुक गया तो या कभी साइक्लोन स्ट्रॉन्ग विंड आ गई और प्लांट झुका तो रूट सपोर्ट नहीं कर पाएंगी। तो जो एक्स्ट्रा होल्ड है उसके लिए मजबूत पकड़ करने के लिए इनकी स्टेम और रूट के बीच का जो जॉइंट वाला पोर्शन है वहाँ की वुड में सेकेंडरी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है और वो एक टाइप से वॉल दीवाल जैसा काम करने लगती है। ओके, इसी कंडीशन को बोलते हैं बट्रेसिंग। अब हमारा क्या इंटरेस्ट है इसमें? तो पहला तो ये जो भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के ट्री हैं बहुत सारे, उनका कैरेक्टर है। दूसरा, सिल्वीकल्चर जो ट्री वाला पार्ट पढ़ेंगे हम, उसमें जब भी वेटलैंड को रिहैबिलिटेट करने का मुद्दा आएगा तो इसी टाइप के प्लांट हमें वहाँ भी लगाना है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट मुद्दा आता है रूट नोड्यूल्स का। ये पहले समझते हैं ये होती क्या है। लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में जो राइजोबियम एक दूसरा एक बैक्टीरिया होता है। ओके, तो बैक्टीरिया जो होता है वो रूट के पास जाकर के इन्फेक्ट करता है और वहाँ नोड फॉर्मेशन कर देता है। इस टाइप से एक्चुअली ये राइजोबियम प्लांट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में आ जाता है, जहाँ प्लांट उसे न्यूट्रिएंट देता है और ये बैक्टीरिया उसे नाइट्रोजन सिंथेसाइज करके देता है। ये एक अडेप्टेशन है जिसकी वजह से लेग्यूमिनस प्लांट ऐसी सॉइल में भी ग्रो कर जाते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी है। अब अपना क्या इंटरेस्ट है कि जब भी कोई कैजुराइना आएगा, अपना इंटरेस्ट है यहाँ कैजुराइना में। कैजुराइना का जो प्लांटेशन किया जाता है वो जनरली किया जाता है सैंडी सॉइल में, जो कोस्टल सैंडी सॉइल है उसमें, तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन वहाँ भी कम है। तो वहाँ पर उसकी नाइट्रोजन की सप्लाई करता है फ्रेंकिया, सेम बैक्टीरिया है। अब जब भी आपको सिल्वीकल्चर सिस्टम में जब भी कैजुराइना के ऊपर लिखना हो तो उसके सिल्वीकल्चर कैरेक्टर में ये उम्मीद की जाती है कि आप फ्रेंकिया को मेंशन करेंगे ही करेंगे। दूसरा, इसका इम्पोर्टेंस कहाँ है? नर्सरी में। अगर प्लांट को नर्सरी स्टेज में ही लेग्यूमिनस इस टाइप की नोड्यूल फॉर्मिंग बैक्टीरिया दे दिए तो वो जब प्लांट भी कर दिए जाएंगे ग्राउंड में प्लांटेशन साइट पर, तब भी उनकी सर्वाइवलिटी चांस बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आता अपना चैप्टर फिनोलॉजी। फिनोलॉजी क्या होता है? किसी भी प्लांट का जो सीजनल चेंजेस है, वन ईयर के अंदर प्लांट कब उसकी लीफ शेडिंग हो रही है, फिर नई लीफ कब आ रही है, फिर फ्लावरिंग कब हो रही है, फ्रूटिंग कब हो रही है, तो जो सीजनल चेंजेस आ रहे हैं उसको बोला जाता है फिनोलॉजी। आगे सिल्वीकल्चर सिस्टम ऑफ इंडियन ट्री में इसका दर यही टर्म यूज़ होना है, टेंशन नहीं लेने का। नेक्स्ट अपना आता है स्टेजेस ऑफ ट्री ग्रोथ। एक ट्री की जो पूरी जीवन है, जैसे हम वो बचपन जवानी बुढ़ापा वाला सिस्टम है वैसे ही ट्री के साथ होता है। इसको जनरली हम 4 फेज में डिवाइडेड करते हैं। पहला है रिक्रूट फेज। रिक्रूट फेज का मतलब होता है जब सीड आपने लगाया, जैसे ही वो जर्मिनेट हुआ, जर्मिनेशन से लेके उसकी फीव लीव्स स्टेज तक कुछ पत्तियाँ आ गई वहाँ तक, फिर वो कुछ पत्तियाँ मतलब जो 4-5 सेंटीमीटर का होता है लगभग, वहाँ से लेकर के उसकी हाइट 1 मीटर तक हो जाती है, उसे बोलते हैं सीडलिंग। यही सीडलिंग होती है जिसे हम ग्राउंड में ट्रांसप्लांट करते हैं। अब ये 1 मीटर हाइट से लेकर के उस स्टेज तक, जब ये 1 मीटर हाइट से आगे ग्रो करता है तो उस स्टेज तक जब उसकी लोअर ब्रांचें गिरना स्टार्ट कर दें तब तक हम उसे बोलते हैं सैपलिंग। और लोअर ब्रांचिंग के बाद और उसके बाद की स्टेज से लेकर के जब ट्री सेकेंडरी ग्रोथ मार्क करना शुरू कर दे तो उसको बोलते हैं हम पोल स्टेज। यहाँ पर अपना चैप्टर लगभग एक पॉइंट और बचा है इसमें, वो है ट्री हाइट। ओके, अब हमें यहाँ पर वो फैक्टर देखने हैं जो किसी प्लांट की हाइट को इफेक्ट करते हैं। ये सेम वही फैक्टर है जो किसी प्लांट की सर्वाइवेबिलिटी को भी इफेक्ट करते हैं। अब आपको अगर एग्ज़ाम में ये प्लांट फैक्टर अफेक्टिंग
प्लांट हाइट अगर इसे एग्जाम में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है, आपके पास चार बेसिक फैक्टर हैं, क्लाइमेटिक, एडाफिक, टोपोग्राफिक और बायोटिक। चार फैक्टरों को पकड़ लो, ये तो हो गया एक्सटर्नल। इसके बाद इसके इंटरनल, इंटरनल में इसका जेनेटिक मेकअप है। इसके बाद दो फैक्टर है, एक तो ह्यूमन और दूसरा एनिमल, ये भी इफ़ेक्ट करेंगे। जैसे कि आप प्लांटेशन करके चलेगा और वाइल्ड एनिमल आ गए तो वो ब्राउजिंग करके चलेगा, हो गई फिर। तो आपको सात फैक्टर याद रखना है, चार ये बेसिक और तीन ये क्लाइमेटिक के, या इन सब सभी फैक्टरों के आपको बेसिक क्या अंदर का कंटेंट है वो आपको पता है। जैसे बायोटिक में कॉम्पिटिशन, पैथोलॉजी वगैरह की चीज़ है। ओके, अब एक आपको आगे चलते हैं, क्वेश्चन है कि ऐसे फैक्टर जो ट्री की हाइट को इफेक्ट करते हैं, इसको आप अगले दो मिनट में सोचें। जस्ट कुछ नहीं लिखना है, जो फैक्टर याद आए जैसा भी दिमाग में आए उन्हें बस लिख देना है। ओके, इसके बाद आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर जस्ट ट्राई वही किया गया कि अगर जेनेटिक मेकअप पूर है, घटिया जीनोटाइप वाला है तो हाइट भी कम रहेगा। जैसे घटिया जीनोटाइप वाले का प्रोडक्शन कम होता है। क्लाइमेटिक में सीधी सी बात है, अगर कहीं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो एवेपोरेशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा एवेपोरेशन होगा तो स्टेम, जो ट्री का स्टेम, उस पर स्ट्रेस आएगा और उसका रिजल्ट आएगा कि उसकी हाइट तो छोटी रह जाएगी और रूट सिस्टम ज़्यादा लंबा डेवलप होगा। सेम कंडीशन कहाँ होता है, हाई हिमालयन रीजन में, तो इस वजह से वहाँ फ्लैक्ट्री डेवलप होते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि फ्लैक्ट्री के जो मॉर्फोलॉजी है उसको फॉर्मेशन के लिए विंड की ज़रूरत है, बट बेसिक जो टैप रूट सिस्टम डेवलप होना है, डेसिकेशन है जो इवेपोरेशन की वजह से, वो सेम है। एडाफिक फैक्टर सॉइल के कोई भी ले लो। बायोटेक में जैसे जो स्कैटर्ड ट्री प्लांटेशन आपने कर दी तो उसको कंपटीशन नहीं मिलेगा, कंपटीशन नहीं मिलेगा तो वही लंबाई में हाइट में ग्रोथ क्यों करे, साइड में कर लेगा ना। लीफ डिफोलिएटर अटैक, साल पे अगर कोई प्लांट है अगर लीफ डिफोलिएटर कर दिए तो फूड सिंथेसिस नहीं होगा, मतलब प्लांट को डाई करना है, ठीक है। ओके, फिजियोग्राफिकल में देख लो, हाई लैटिट्यूड वगैरह का है, अगर हाई लैटिट्यूड पे है तो वहाँ पर पूर मॉइस्चर वगैरह का है, सनराइज कम मिल रही है तो उसका इफेक्ट आ जाएगा। और वाइल्ड में आप ट्रैम्पलिंग वगैरह देख लो, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, नेक्स्ट आता है, ये चैप्टर तो यहाँ ख़त्म आ गया, अपना चैप्टर आएगा अब नाइन्थ। इस चैप्टर का अपना काफ़ी इम्पोर्टेंस है, लगभग इतना है कि डायरेक्ट तो नहीं आता लेकिन इनडायरेक्टली लगभग एक आध क्वेश्चन हर साल आ रहा है, ठीक है। सिंपल है बस।